Hi guys, welcome back to my channel Let's Travel. And today we are traveling to Mussoorie. So we have started our journey from Delhi to Mussoorie. Let's see how it goes. और ये वो जगह है जहाँ पे हमने रास्ते में जाते हुए हॉल्ट लिया था. This is the first food joint जो हमें रास्ते में जाते हुए दिखा और काफ़ी अच्छा बना हुआ था ये बीकानेर वाला. और भी बहुत सारे आउटलेट्स थे यहाँ पे और शॉपिंग सेंटर्स थे, थोड़े बहुत झूले भी लगे हुए थे बच्चों के. तो हमने कहा ये एक अच्छी जगह लग रही है रुकने के लिए बीच में, कि हम फ्रेश हो जाएं और ब्रेकफास्ट एंड ऑल कर लें. सो वी हैव एंटर्ड दिस बीकानेर वाला एंड एज यू कैन सी आउटलेट अच्छा बना हुआ था. और सुबह का टाइम था तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था और लोग भी कम थे. एंड इट वॉज़ अ गुड डिसीजन क्योंकि सब चीज़ें अवेलेबल थी और खाना भी अच्छा था, वॉशरूम्स भी क्लीन थे. सो आई वुड सजेस्ट दिस प्लेस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मसूरी. सो आफ्टर आवर ब्रेकफास्ट वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी अगेन. और जब हम थोड़ा और आगे गए तो हमें बहुत सारे फूड जॉइंट्स एंड आउटलेट्स मिले. तो इस रास्ते में कोई कमी नहीं है, आप जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हैं. मैं बहुत सारे कैप्चर भी नहीं कर पाई एंड बहुत सारे मैंने कैप्चर किए. तो यहाँ पे बहुत सारे ढाबे और बहुत सारे फूड जॉइंट्स ब्रांड्स भी आते हैं. तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बीच में रुक के हॉल्ट ले सकते हैं और खाना खा सकते हैं. हमने ये ट्रैवल अगस्त के मंथ में ही किया है तो आप सबको पता है कि दिल्ली में कितना ह्यूमिड मौसम हो रहा है और कितनी धूप गर्मी सब कुछ हो रहा है. बट जैसे जैसे हम उत्तराखंड के पास जा रहे थे वैसे वैसे मौसम बदलता जा रहा था और थोड़ा थोड़ा क्लाउडी होता जा रहा था मौसम. तो वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हाँ वहाँ पे अच्छा मौसम होगा एंड वी आर गोइंग टू इन्जॉय. यूजुअली अगस्त में मॉनसून होता है, बारिशों का मौसम होता है और न्यूज़ में इतना कुछ आ रहा था कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, पानी भर रहा है, देहरादून में भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था. बट वी हैव ट्रैवल्ड और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. कैन यू सी द क्लाउड्स? ये देहरादून से मैंने क्लिप की है, ये मसूरी के पहाड़ दिख रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मौसम लग रहा है एंड लग रहा है वाओ. क्लाउड्स देखिए बिल्कुल नीचे आए हुए हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे ऊपर भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिले. जैसे ही मसूरी के पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट हुए हमें छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल दिखते गए एंड आई हैव ट्राइड टू कैप्चर देम ऑल. बट मैं सब तो कैप्चर नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारी गाड़ी चल रही थी और हम रास्ते में रोक नहीं रहे थे. कुछ लोग रोक के वहाँ पे खड़े हो रहे थे बट आई वोंट एनकरेज दैट, उससे ट्राफिक बढ़ता ही है और जो बाकी लोग आ रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है. सो येस यू कैन इन्जॉय द नेचर, आप देख सकते हैं रास्ते में विजुअल्स इन्जॉय कर सकते हैं. बट आई वोंट सजेस्ट कि आप सब लोग अगर गाड़ी रोक के रुक जाएंगे तो ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और हिल्स पे वैसे ही बहुत रिस्की ड्राइविंग होती है. सो आप लोग भी इस सब चीज़ों का ध्यान रखें. So now I am going to tell you where we are going to stay in Mussoorie. We are going to stay here, Madhuban Sarovar Portico in Mussoorie. Yes. तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे स्टे हमारा कैसा था, हॉस्पिटैलिटी कैसी थी, खाना कैसा था, हमें कितने रेट्स में मिला
एंड एक्सेट्रा। सो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, और कितने में हमने ये होटल बुक किया और कहाँ से बुक करवाया वो भी मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी, डोंट वरी। सो नाउ लेट्स एंजॉय द रूट टू मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। एंड वी हैव स्पेशली ट्रैवल्ड इन दिस रेनी सीजन कि हमें ऐसे क्लाउडी रास्ता मिले और हमें ऐसा मौसम मिले, हम इंजॉय करना चाहते थे एंड एग्जैक्टली हमको वैसे ही क्लाउडी वेदर मिला, और ये सब कुछ बहुत ही ना ऐसे ड्रीम की तरह और ऐसे बहुत ही फिल्मी लग रहा था। एंड आई रियली इंजॉयड द रूट एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड इट वॉज वेरी सूदिंग एंड पीसफुल द रूट ऑल्सो, नॉट द डेस्टिनेशन। वी हैव इंजॉयड द जर्नी टूवर्ड्स मसूरी बिकॉज ऑफ द वेदर, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। So we have reached our destination, that is Madhuban Sarovar Portico. ये थोड़ा सा दूर है मसूरी मॉल रोड से, लाइक 500 मीटर्स अवे, बट इट इज़ नॉट यू नो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम 10 मिनट्स वॉक कर रहे थे एंड वी आर रीचिंग टू द मॉल रोड, जो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था। एंड वी डिडंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि हमने दूर ले लिया है होटल या समथिंग लाइक दैट। एंड मैं ये आपको रूट इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है, और ये ऐसे रूट ऊपर होटल की तरफ जाता है जो मैंने प्रॉपर अच्छे से दिखाने की कोशिश की है, सो दैट आप जज कर पाएँ कि कैसा रास्ता है ऊपर जाने के लिए। सो दिस इज़ द होटल फ्रंट व्यू। होटल वॉज क्वाइट सिंपल, बहुत ज़्यादा ऐसे आपको फैंसी या ऐसे नहीं लगेगा, बट स्टिल इट इज़ वेरी कोजी एंड कम्फर्टेबल, एंड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हॉस्पिटैलिटी में एंड अदरवाइज। और इसकी पार्किंग भी होटल के जस्ट बाहर ही है, वहीं पे कार्स खड़ी हो रही थी। और ये दो अलग अलग बिल्डिंग्स बना रखी हैं, थोड़े से रूम्स इधर हैं और कुछ लॉन, या जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या वेडिंग के कोई फंक्शन हैं तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं, वो सब चीज़ें भी अवेलेबल थी यहाँ पे। एंड दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द होटल। ये मेन एंट्रेंस है होटल की, जहाँ से आप होटल के अंदर एंटर करेंगे, और एंटर करते ही आपको ये लॉबी दिखेगी। बहुत बड़ा रिसेप्शन एरिया नहीं है होटल की, एक लेफ्ट साइड में आपको रिसेप्शन एरिया दिखेगा जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी कर रखा है, और आपके लिए एक वेलकम ड्रिंक भी रखी हुई है, वाटर भी रखा हुआ है। दे विल सर्व यू दिस, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लिप कि आपको वेलकम ड्रिंक में क्या मिलता है। वेलकम ड्रिंक में हमको कावा मिला था, और जब हम सरोवर पोर्टिको मशोबरा गए थे ना, वहाँ पे भी हमें वेलकम ड्रिंक में कावा ही मिला था। आई गेस ये इनका सिग्नेचर वेलकम ड्रिंक है, बट या कावा वाज गुड क्योंकि रेनी सीज़न है और इन्फेक्शन वगैरह काफ़ी हो रहा है, एंड इट इज़ अ गुड सोर्स टू कीप योर थ्रोट हेल्दी। तो येस वी इन्जॉयड द ड्रिंक। अब हम ऊपर पैसेज में आ गए हैं जहाँ पे हमारा रूम था, एंड दिस इज़ द रूम टूर।
रूम वॉज क्वाइट स्पेशियस एंड बहुत ज़्यादा हमें ऐसे नहीं लगा कि बहुत छोटा छोटा रूम है या सोने में प्रॉब्लम हो रही है या चीज़ें रखने में प्रॉब्लम हो रही है। और एक सीटिंग भी अलग से दे रखी थी और ये सोफ़ा कम बेड था, आप इसे खोल सकते हैं इफ़ यू आर 3 पीपल और यू हैव किड्स अलॉन्ग विद यू, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि दो लोग बेड पे सो जाएँ और दो लोग सोफ़ा कम बेड पे सो जाएं। आपको एक्स्ट्रा बेड लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस होटल कि एक काफ़ी स्पेशियस सोफ़ा कम बेड ऑलरेडी रूम में लगा हुआ था अपार्ट फ्रॉम बेड। इस रूम में स्टडी टेबल, टेबल, साइड टेबल्स सब कुछ अवेलेबल था। सो कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ मिसिंग था एंड इट वॉज़ अ डीलक्स रूम, सो इट वॉज गुड। और ये दिस इज़ द बिग हिट ऑफ द होटल रूम, यहाँ पे मंकी मेनन से या उन्होंने मेंशन किया हुआ था, लेकिन हमें हम लकी रहे, शायद 2 दिन हमें कोई मंकी नहीं मिले। लेकिन इस बालकनी से बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं जो आप देख सकते हैं। बहुत क्लाउडी हुआ हुआ था एंड बाहर भी 2 चेयर्स और एक टेबल दे रखी थी कि आप अपनी हाई टी या अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं बाहर बैठ के विद द नज़ारा। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम तो काफ़ी देर तक बालकनी में खड़े हुए थे, इनफैक्ट वीडियो में इतना अच्छे से शूट नहीं हो पाया। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, वॉशरूम थोड़ा छोटा था लेकिन अगेन अच्छे से सेग्रीगेट किया हुआ था सेक्शंस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड सारी एमिनिटीज़ की चीज़ें अवेलेबल थी अंदर वॉशरूम में। और बाकी आप कॉल भी कर रहे थे तो दे आर प्रोवाइडिंग यू। मुझे थोड़ा सा हाइजीन में लगा कि थोड़ा सा बस क्लीनलीनेस थोड़ी कम थी आई वुड से, बाकी सब मुझे सब अच्छा लगा और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। और ये हमारे रूम से व्यू है जितने भी मैंने कैप्चर किए हैं, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे क्लाउड्स पूरे नीचे आए हुए थे और ऐसे वाटर स्प्रिंकल कर रहे थे, रेन नहीं हो रही थी बट क्लाउड्स में से पानी स्प्रिंकल हो रहा था एंड इट वॉज वेरी मेस्मराइजिंग। और ये सारे सीन्स मॉल रोड के हैं, हम वॉक करके ही मॉल रोड आए थे। एज आई हैव टोल्ड यू कि 500 मीटर अवे है होटल से मॉल रोड, तो हमें 10 मिनट्स वॉकिंग लग रही थी और ऐसे मौसम में चलना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, तो हम वॉक करके ही मॉल रोड पे आए थे। और हमें दोनों ही दिन ऐसे क्लाउडी मौसम मिला है। हाँ, थोड़ी बहुत रेन हो रही थी बीच में और हमें तब थोड़ा सा रुकना पड़ा था, लेकिन इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि रेनी सीज़न में आ गए हैं अब हम घूम नहीं पाएंगे, हम कुछ इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट मुझे तो समर वेकेशंस के टाइम से ज़्यादा अच्छा ये मौसम लगा घूमने के लिए, क्योंकि इट वॉज़ वेरी 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 लवली टू सी द क्लाउड्स। बिल्कुल क्लाउड्स नीचे आए हुए थे और आप क्लाउड्स में वॉक कर रहे थे, आप क्लाउड्स में इंजॉय कर रहे थे मॉल रोड को, उससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। आई रियली लव द वेदर। ये जब हम रात को शाम को आफ्टर स्ट्रोलिंग द मॉल रोड वापस आए थे तो ऐसा लग रहा था हमारा होटल कुछ। रात को वापस होटल आए मॉल रोड से तो हमने रिक्शा किया था, हमने जब लाइब्रेरी से रिक्शा किया तो उन्होंने 150 रुपीज़ लिए थे होटल पहुंचने के लिए, और हमने मिड मॉल रोड से रिक्शा किया था तो उन्होंने 200 रुपीज़ लिए थे मॉल रोड पे पहुंचने के लिए। ये हमसे रिक्शा वालों ने पैसे लिए थे, आई डोंट नो कि क्या रेट्स हैं क्या नहीं, बट यस हमें इतने पैसे लगे थे। हम मॉल रोड पे घूम के थक गए थे इसलिए हमने रिक्शा किया था, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस अगर आप पैदल जाना चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द वेदर, वेदर वॉज़ वेरी प्लेजेंट एंड बिल्कुल भी ठंडा नहीं था, बट या इट वॉज़ ऑल फॉगी, तो आपको ऐसे लग रहा था जैसे आप ठंड में वॉक कर रहे हैं, लेकिन मौसम भी बिल्कुल सुहाना और अच्छा है और बिल्कुल भी ठंड भी नहीं लग रही, गर्मी भी नहीं लग रही, तो मुझे तो बहुत अच्छा मौसम लगा ये मसूरी घूमने का। एंड आई वुड सजेस्ट यू, अगर कुछ बहुत लैंडस्लाइड या बहुत ज़्यादा ऐसे खतरा नहीं है तो आप लोग भी जा सकते हैं। और हाँ, ये जो होटल हमने करवाया ये डीलक्स रूम करवाया था और इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था,
तो ये होटल रूम हमें डीलक्स का पड़ा था 11,300 समथिंग में विद ब्रेकफास्ट फॉर 2 डेज, और ये हमने बिंदिया ट्रैवल्स से करवाया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ़ यू वांट तो आप भी उनसे बुक करवा सकते हैं। और ये देखिए जो जो चीज़ें अवेलेबल थी वहाँ पे ब्रेकफास्ट में, उसका मैंने कैप्चर करा है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप भी देख लें और जज कर पाएँ। बहुत ज़्यादा लाविश या बहुत ज़्यादा वास्ट ब्रेकफास्ट नहीं था, लेकिन ये बूफे सफिशिएंट था एंड टेस्ट वाज आल्सो गुड, सो वी हैव एंजॉयड आवर ब्रेकफास्ट। सिटिंग अरेंजमेंट अंदर भी है और बाहर भी है, आप वेदर इंजॉय करके भी बाहर बैठ के भी खा सकते हैं ब्रेकफास्ट और अंदर बैठ के भी खा सकते हैं विद द सीनिक ब्यूटी। सब जगह ग्लास विंडोज दे रखी हैं कि आप बाहर देखते देखते अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं आराम से। This was the outside place I was talking about. आप यहाँ बैठ के भी अपना breakfast enjoy कर सकते हैं और साथ साथ weather को भी। And this is dine-in menu. तो हमने 2 दिन evening में आला कार्ट भी order किया था, एक दिन पनीर बटर मसाला और एक दिन बिरयानी एंड चिकन टिक्का। सो पनीर बटर मसाला वॉज ओके एंड बिरयानी वॉज ऑल्सो लाइक दैट, चिकन टिक्का वॉज गुड और ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। तो ऑल एंड ऑल गुड था खाना, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बेकार था, बट ये डाइन इन मेन्यू के रेट्स हैं जो आप देख सकते हैं। मैंने इसीलिए दिखा दिया कि आपको पता लग जाएगी क्या मेन्यू है और कितने रेट्स हैं, आप अकॉर्डिंगली जब जाएं तो इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। सो अगेन दीज सीन्स आर फ्रॉम मॉल रोड एंड मैं ओवरकम नहीं कर पा रही थी इन क्लाउड्स को देख के कि कितना अच्छा मौसम है और कैसे क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। तो मैंने बार बार जितनी बार मुझे मौका मिला मैंने शूट किया है। And I would like to mention this restaurant, Bella Mount Restro Bar in Mall Road. मुझे बहुत अच्छा लगा, खाना वगैरह बहुत टेस्टी था। यहाँ पे हमने लंच किया था एंड व्यू वाज आल्सो वेरी गुड। अगर आप लोग भी मॉल रोड पे लंच या डिनर करने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। द फूड वाज गुड एंड द एम्बियंस वाज ऑसम, और आप बाहर बैठ के भी विद द व्यू खाना एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप ये बिल्कुल क्लाउडी हुआ हुआ था एंड यू कैंट बिलीव, हम यहाँ पे बैठ के जब खाना खा रहे थे तो हमारे हेयर्स में ऐसे वाटर स्प्रिंकल हो रहा था बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ द रेन, क्योंकि रेन नहीं हो रही थी, इट वॉज ओनली क्लाउडी। I would like to give you the virtual view of the Mall Road, Mussoorie. तो आप भी enjoy कर सकते हैं कि आप मैं अपनी नज़रों से दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे Mall Road पे घूम रही थी, और आप भी उस सेम फीलिंग को फील कर सकते हैं virtually.
ये मैंने तब शूट किया था जब हम रिक्शा में बैठे हुए थे, तो हम ये रिक्शा राइड पे हैं और मैंने तब शूट किया था। अब हम वापस आ गए हैं होटल रूम में और देखिए इतना ज़्यादा क्लाउडी हो रहा था, जो बिल्कुल सामने ट्री या बिल्डिंग्स थी ना वो भी नहीं दिख रही थी, इतनी कम विजिबिलिटी थी। तो हम बस ये कह रहे थे कि जब हमें वापस जाना हो तब इतना क्लाउडी ना हो, हमें वापस जाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो वाइल ड्राइविंग। एंड येस दे प्रोवाइड हाई टी ऑल्सो, तो हाई टी के लिए उन्होंने हमें कॉल कर दिया था, तो हमने कहा कि हम बाहर बैठ के अपनी बालकनी में ही हाई टी लेंगे। वो रूम में ही प्रोवाइड कर रहे थे एंड इट वॉज अ गुड अमाउंट ऑफ कॉफ़ी एंड टी यू कैन इन्जॉय इन योर बालकनी। और ये देखिए ये ना रात का सीन है जो मैंने कैप्चर किया था, ये सारा जो फ्लोर गीला हो रहा है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्लाउड्स एंड देर वॉज नो रेन ओनली क्लाउड्स, और क्लाउड्स ही वाटर स्प्रिंकल कर रहे थे। इट वॉज वेरी अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर मी, बट एट द सेम टाइम गुड वाइब्स ओनली वाला मौसम था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये मैंने ना छोटी छोटी क्लिप ऐड की हैं कि हम जब ऐसे स्ट्रोल कर रहे थे तो ये बादल हैं सिर्फ जो आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर, देर इज़ नो रेन ओनली क्लाउड्स, और ये कैसे शूट हो रहे थे मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, येट बहुत अच्छा भी लग रहा था, इसलिए मैंने ये शूट करके डाला है कि आप भी देख पाए कि कैसा मौसम था। आने की तैयारी में निकल गए हैं और ये हमारे जाते टाइम ऐसा वेदर था एंड हम सोचे थे पता नहीं कैसे ड्राइव करेंगे, इतना क्लाउडी हो रहा है ये वो, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं थी, कोई फॉग विंटर्स वाली फॉग नहीं थी। हम जैसे ही क्लोज आ रहे थे तो वो क्लाउड्स डिसअपियर हो रहे थे एंड बहुत ईजी ड्राइविंग थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हमने जाते टाइम भी अपनी ड्राइव को इन्जॉय किया। तो होटल ऑल एंड ऑल गुड था, मैंने जैसे आपको बताया, बस थोड़ा सा मुझे क्लीनलीनेस इनिशियली लग रही थी, बट आप कॉल करके उनको बोलो तो उन्होंने दोबारा से रूम वगैरह सब क्लीन कर दिया था। वुड लाइक टू मेंशन शायद वहाँ पे गेस्ट कम थे, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट दे केप्ट ऑन कॉलिंग यू कि ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, यू कैन कम एंड दिस दैट ये वो। वो दिन में 3-4 बार आपको कॉल कर रहे थे, तो वो हॉस्पिटैलिटी का ही पार्ट है, बट यूजुअली ऐसे होटल्स में इतना ज़्यादा कॉलिंग नहीं होती है, तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, मतलब इतना अजीब भी नहीं लगा, बट स्टिल इट वाज वन ऑफ द थिंग विच आई लाइक टू मेंशन, तो इसीलिए मैंने बता दी। ऑल इन ऑल एवरीथिंग वाज गुड एंड वेदर भी बहुत अच्छा था, तो आप लोग भी ऐसे टाइम पे जा सकते हैं, बस हाँ ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो रही है और लैंडस्लाइड्स नहीं हो रही है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं थी, इट वॉज ओनली क्लाउडी एंड कोई लैंडस्लाइड भी नहीं थी, रास्ता भी बिल्कुल ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी पूरे रास्ते में कि कहीं कुछ टूटा फूटा हुआ है या आप यहाँ से निकल नहीं सकते। हमें तो सब कुछ अच्छा मिला। हम अगस्त का जो लॉन्ग वीकेंड था 15 अगस्त का, उसके बाद गए थे हम, उस टाइम पे नहीं गए थे, तो हमें ये रेट्स मिले थे। रेट्स कैन वैरी जब भी आप जा रहे हैं उसके टाइम के अकॉर्डिंग, सीजन के हिसाब से, और अगर आप ऐसे मौसम में जाएंगे तो आपको वाटरफॉल्स वगैरह ये सब देखने को भी मिलेगा और वेदर के नज़ारे तो हैं ही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप भी ऐसे मौसम में ज़रूर एक बार ही ट्रैवल करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और बस कीप लविंग गाइस, थैंक यू सो मच।